लास्ट क्लास में। अच्छा तुम लोग डीपीपी कर रहे हो या नहीं? डीपीपी तो तुम्हें सब मिले होंगे, मतलब पोर्टल पे होंगे ना वो, जैसे भी बताया होगा उन्होंने, राइट? बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। बोलो डीपीपी मिल रहे हैं या नहीं? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कौन सा टॉपिक चल रहा था, बताओ। हमने लॉग फंक्शन पढ़ लिया था ना, लॉग फंक्शन। तृप्ति, सीमा, आर्यन, बोलो बेटा लास्ट टाइम क्या चल रहा था टॉपिक, जल्दी बताओ। तेजस्विता, गर्वेत, श्याम, सर लॉग फंक्शन की डोमेन निकालना सीखी थी। अच्छा ठीक है। सीमा, तृप्ति, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तृप्ति क्या हो गया, मैं फिर कैसे पता लगेगा तुम लोग को आवाज आ रही है? हाँ तृप्ति यस आ रही है ना? सर, आ रही है सर जी, आवाज आ रही है। ठीक है चलो, ओके। लॉग फंक्शन की हमने डोमेन निकालनी सीख ली थी, राइट? चलो एक इस क्वेश्चन की डोमेन निकालो, फिर मैं अब रेंज के कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। करो ट्राई। करो इसकी डोमेन निकालो।
हो रहा है ना बेटा? सर जी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सुन रहा है। हाँ जी, हो गया। मैं बताऊं या हो गया है? बोलो। सर आप बता दो। देखो, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि कॉस इनवर्स के आगे वाली जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। बताया था या नहीं, ये बताओ। तो यस सर। ये वैल्यू -1 से 1, साइन इनवर्स में भी सेम रहेगा तो दो बार करने की जरूरत नहीं है। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
माइनस मॉड एक्स आएगा आपका माइनस फोर से प्लस फोर, अब माइनस टू कर देंगे तीनों तरफ तो माइनस मॉड एक्स आएगा आपका माइनस सिक्स से टू तक, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, इधर माइनस टू आएगा इधर सिक्स आएगा, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो कायदे में जो अगली स्टेप होगी वो ये होगी कि मॉड एक्स इज एक्चुअली लाइंग बिटवीन जीरो टू सिक्स, बोलो। यस सर। अब अगर किसी भी वैल्यू का मॉड जीरो टू सिक्स है तो वो वैल्यू माइनस सिक्स टू सिक्स है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अच्छा जैसे साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन होती है, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन होती है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन हो गई माइनस वन से वन। इसी हिसाब से जो टेन एक्स है ना, टेन एक्स की वैल्यू होती है होल आर, टेन एक्स की जो रेंज आती है वो होल आर होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो होल आर होगी, मतलब टेन इनवर्स किसी भी वैल्यू का निकल सकता है, साइन इनवर्स तो टू का नहीं निकल सकता ना, साइन इनवर्स टू का मतलब हो गया वो एंगल जहां पर साइन एक्स की वैल्यू टू हो वो पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आ रही बात? लेकिन टेन इनवर्स टू पॉसिबल है, वो एंगल जहां पर टेन एक्स टू हो वो चलेगा, बात समझ में आ गई? तो यानी कि टेन इनवर्स एक्स की डोमेन हो गई होल आर, तो ये कुछ भी हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी कि नेट डोमेन यही हो गई माइनस सिक्स से प्लस सिक्स, राइट? अच्छा ये बताओ तुम लोग डीपीपी करते हो या नहीं, तभी तो मुझे आइडिया आएगा कि प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही, बताओ। सर सेकंड वाली अभी एक ही करी है बस, बाकी वाली नहीं करी। अच्छा चलो कोई नहीं, अब करना स्टार्ट करो, थोड़ा ज्यादा है ना। ओके सर। एक और चीज देखो, जैसे ना कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, मान लो एफ एक्स की डोमेन दी हुई है, मान लो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज जीरो टू वन, और वो पूछ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ टेन एक्स, तो इसका तरीका ये होता है कि जो एफ एक्स की डोमेन जीरो टू वन है तो ये एक्स जीरो टू वन है, तो तुम कर दोगे ये टेन एक्स जीरो टू वन है, तो टेन एक्स अगर जीरो टू वन होगा तो करस्पॉन्डिंग एक्स आपका जीरो टू फाइव बाई फोर होगा, तो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी आपकी जीरो टू पाई बाई फोर, याद रहेगा ये मेथड, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज जीरो टू वन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ टेन एक्स पूछा है, तो एफ ऑफ टेन एक्स की डोमेन क्या हो गई, टेन एक्स विल लाई बिटवीन जीरो टू वन, तो एक्स विल लाई बिटवीन जीरो टू पाई बाई फोर। सर अगर वन के बदले टू होता तो क्या करते? तो भी कुछ नहीं होता, लिख देता हूँ, वन के बदले टू होता तो टेन एक्स की वैल्यू टू हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन एक्स को हम लिखते हैं जीरो टू टू, टेन एक्स जो है यहाँ जीरो होता है और यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जाता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा बताओ टेन नाइनटी क्या होता है, टेन नाइनटी टेन थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री पर क्या आती है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, और 90 से जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी होता है, तो 10x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं 2 भी होगी, 2 कब होगी भाई हमें पता नहीं है ना, हमने कभी वो एंगल तो पढ़ा नहीं, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 2, राइट? क्या है मुझे ठीक है ना बच्चों, सबका हो गया ना? सर एक मिनट, लिख रहे हैं अभी। हाँ हाँ आराम से टेक योर टाइम।
सर लिख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। एफ एक्स की डोमेन है 0 to 1, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज 0 to 1। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एफ ऑफ लॉग एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स। करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो ट्राई। सर 0 से 2। 0 से 2 नहीं, शायद 0 से 2 तो नहीं आएगा, देखते हैं। देखो ये जो ई टू दी पावर एक्स है, कायदे में ये 0 to 1 होना चाहिए, बोलो। यस सर। तो अगर ई टू दी पावर एक्स 0 to 1 होगा तो एक्स कहां से कहां तक होगा, इधर 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ई टू दी पावर 0 1 आता है, बोलो। यस सर। और इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ई की पार माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ई की पार इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ई की पार माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन ई की पार इन्फिनिटी व्हिच इज टेंडिंग टू 0। बात समझ में आ गई? यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी लॉग ऑफ मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 1, तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ई टू दी पार 0 दैट इज 1, 1 से e तक। मॉड x कहां से कहां तक होगा, 1 से e तक। अब अगर किसी का भी मॉड 1 से e है तो वो वैल्यू या तो माइनस e से माइनस 1 होगी या 1 से e होगी, बताओ, बोलो। यस सर। अब दोनों का कॉमन लो, ये कह रहा है 0 से छोटी वैल्यू, ये कह रहा है, तो कॉमन ये वाली वैल्यू होंगी या नहीं होंगी? यस सर। वो तो क्या आ गई डोमेन।
लिखो एक और क्वेश्चन। एफएक्स की जो डोमेन है, फिर से लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ एफएक्स इज -325, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स -5। करो ट्राई। देखो तुम लोग तो बहुत ही टाइम लगा रहे हो भाई। मॉड एक्स -5 की वैल्यू -3 से 5 आएगी या नहीं? हाँ बताओ, यस सर। तो मॉड एक्स कहां से कहां तक आएगा? इसको उधर ले जाओ, 2 से 10 हो गया या नहीं हो गया? यस सर। और अगर किसी भी वैल्यू का मॉड अगर 2 से 10 है, तो वो वैल्यू या तो 2 से 10 है या -10 से -2 है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? -10 से -2 यूनियन 2 से 10। ठीक है, यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी डोमेन निकालो। चलो करो।
हाँ जी हुआ। हाँ मैं ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ तुमसे, सीमा बताओ तुम्हारा हुआ। सीमा शर्मा, सर थोड़ी दिक्कत आ रही है एंड में। बताओ बताओ मुझे, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। मैं जस्ट गाइड करूंगा, करना अपने आप ही। बोलो। तृप्ति? यस सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, एंड प्रियांशु? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। लॉक के लिए कुछ बताया था मैंने या नहीं? ये बताया भी नहीं है। सर 0 से बड़ा होता है। हाँ, लॉग एक्स का ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन पे अटक गई। हेलो बच्चों, सर मेरा ना डिसकनेक्शन हो गया था तो मतलब अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर ठीक है यस ठीक सर यस सर है ठीक आवाज है। तो मैंने ये बताया था लॉग के लिए कि लॉग जिसका निकालते हैं वो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बेस कभी भी 0 से बड़ा नहीं, सॉरी, बेस हमेशा 0 से बड़ा और कभी भी 1 नहीं, है ना? बाहर। ये सर बात मेरा इस आंसर आ रहा है आंसर बता दो। सर, -3 -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। हाँ ये आंसर हो सकता है, मैंने ऐसे ही दिया था। एक बार देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड करता हूँ उसको सॉल्व। देखो सब लोग देखो, अगर किसी को लगता है कहीं पे डाउट हो, नहीं पढ़ा है तो बताना। सबसे पहले जिसका लॉग निकालना है वो वैल्यू 0 से बड़ी, थोड़ा रिस्पॉन्ड करा करो। ऐसा लगता है कि मतलब सामने बस कैमरे को पढ़ा रहा हूं। ये पॉजिटिव नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो यहां से क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू
माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी, बताओ सही है गलत है? यस सर। अब आ जाओ बेस पर, बेस क्या है? थ्री प्लस एक्स, तो थ्री प्लस एक्स जीरो से बड़ा, यानी कि एक्स माइनस थ्री से बड़ा, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और बेस कभी भी वन नहीं, तो एक्स क्या नहीं? माइनस टू नहीं, ये तीसरी इक्वेशन। अब तीनों को कंबाइन कर लो, माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू, तो माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू लेंगे तो माइनस थ्री से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी आएगा या नहीं आएगा? इसमें से माइनस थ्री से छोटी हटा दो तो यही आएगा या नहीं आएगा, बताओ? बोलो बच्चों। यस सर। और माइनस टू भी नहीं चाहिए, तो माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में माइनस टू आ रहा है, तो उसे माइनस टू को भी हटा दो, तो माइनस टू कैसे हटाएंगे बताओ? माइनस थ्री से माइनस टू तक गए, माइनस टू से माइनस वन तक गए, एंड वन से इंफिनिटी तक चले गए, तो माइनस टू भी हट गया। कोई डाउट? नो सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दिक्कत कहाँ है फिर? ठीक है बच्चों। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा रेंज के क्वेश्चन भी हमने हालांकि करे थे। रेंज के क्वेश्चन से मैंने तुम्हें ये बताया था कि पहला मेथड रेंज का वो होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर डोमेन, इफ डोमेन इज होल आर, याद आ रहा है? इफ डोमेन इज होल आर और होल आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज, देन एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y, करा था एक आध क्वेश्चन ऐसा या नहीं? जैसे इसकी रेंज निकालो सब लोग, एक काम करो इसकी रेंज निकालो, ऑल ऑफ यू सॉल्व इट, रेंज निकालो इसकी।
बता हो रहा है नहीं सर? क्लोज ब्रैकेट 0 टू 2 ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा, गलत चल रहा है तुम्हारा, जीरो तो नहीं आना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया था, इसकी डोमेन क्या है, सभी बच्चे बोलो डोमेन क्या है इसकी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं, तो डोमेन होलार आएगी या नहीं आएगी? यस सर। ठीक है, और जब डोमेन होलार या होलार एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है, तो मैंने क्या बोला तुम्हें, कि हमें x को y के टर्म में लिखना है। अब x को y के टर्म में कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर y प्लस y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर विल बिकम 2 माइनस y अपॉन y माइनस 1, तो x आ जाएगा आपका, आएगा या नहीं, सही लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस y अपॉन y माइनस 1, तो x y के टर्म में आ गया है नहीं आ गया बताओ? यस सर। अब इसकी डोमेन निकालो, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। फिर मैंने तुम्हें बताया था नंबर लाइन मेथड के लिए वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ता है, तो माइनस कॉमन लिया, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब नंबर लाइन पर जाओ, 1 2, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब निगेटिव वाला इंटरवल, तो नेगेटिव वाला इंटरवल मतलब 1 से 2, 1 नीचे को 0 कर देगा तो ओपन होगा, 2 को क्लोज करेंगे, बात खत्म, तो दिस इज द रेंज, आ गई रेंज, बताओ। यस सर। कहाँ दिक्कत है बताओ, अब इसको दूसरे मेथड से भी बताता हूं, देखो पहले लिख लो सब लोग, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग लिख लोगे। हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ऊपर वाला दूसरा मेथड ये होता है कि जब हमारे से ये वाला मेथड नहीं तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो हम कुछ और मेथड भी लगा सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अलग लिखा लूं तो ये ऐसे चलेगा, बोलो। अब अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है राइट हैंड साइड के बारे में, कि किसी वक्त का भी होल स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी होता है। अब 1 ऐड कर दो, तो अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 1 से इंफिनिटी। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आ गया, ये 1 अपॉन 1 1 आ गया। अब 1 ऐड करेंगे, तो जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर आपका 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो देखो 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट, 2 की तरफ क्लोज, सेम मेथड है कि नहीं है बताओ? यस सर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करो, एक और देता हूं, ऐसे ही दिया भी होगा मुझे तो याद आ रहा, मैंने पढ़ाया हुआ, बट ठीक है चलो, इसकी भी रेंज निकालो, दोनों मेथड से रेंज निकालो।
करो दोनों मेथड से करो। सर डन। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है सर? 1/7/3 1/7/3 गुड, सही है। बाकी बच्चों तुम भी करो। दो मेथड बताए थे, पहला तो मैं मैनिपुलेट वाला मेथड बता रहा हूँ। देखो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला जैसे ही दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1 करके, 1+1/(x²+x+1)। सब लोग अब ध्यान से समझ लो बेटा। वन माइनस 3/4 सॉरी, सही है ना? समझ में आ गया 1-1/4 को लिखा है। ठीक है अब देखो जरा, ये हो गया y=1+1/(x+1/2) का होल स्क्वायर प्लस 3/4, राइट? अब देखो किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर 0 to infinity, इसमें 3/4 ऐड कर दो, तो 3/4 से इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल 0 इधर आ गया और इसका रेसिप्रोकल 4/3 इधर आ गया। अब 1 ऐड कर दो, तो इधर 1 आ गया और इधर 7/3 आ गया, तो रेंज 1 से 7/3 आई है नहीं?
यस सर। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं। y equals to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. तो हमें क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है, तो x square y plus x y plus y equals to x square plus x plus 2. तो ये हो गया आपका x square into y minus 1 plus y minus 1 into x plus y minus 2 is 0. अब x को y के टर्म में लिखेंगे तो quadratic बन गई, तो x equals to minus b plus minus अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब ये आ गया नहीं आ गया एक्स वाई के टर्म में, बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y माइनस वन कॉमन आ गया, तो y माइनस वन इंटू y माइनस वन माइनस फोर वाई प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका y माइनस वन माइनस थ्री वाई प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर देंगे क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो थ्री वाई माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, एक वन आएगा, एक सेवन बाई थ्री आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो हमें नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, तो वाई बिलोंग्स टू वन टू सेवन बाई थ्री, लेकिन वन अलाउड नहीं है। देखो ये वन अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वन की तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू वन टू सेवन बाई थ्री। बताओ ये हमने करा नहीं हुआ है क्या सर, करा हुआ है आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन बताओ, कोई डाउट तो नहीं है दोनों मेथड्स? नो सर। लिख लो, कुछ दिखाना है स्क्रीन या ठीक है? हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो एक ना और क्वेश्चन करते हैं जरा। मैं एक्चुअली आगे बढ़ना चाह रहा था बट
तुम्हारा वो देख के मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी अच्छे से कर नहीं रहे हो। चलो इस फंक्शन की डोमेन निकालो, डोमेन एंड रेंज की तुम इस प्रॉब्लम चल रही है। कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x²-3। दो मिनट का समय दे रहा हूँ, दो मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई करो फिर इसकी डोमेन निकालो। ठीक है बेटा, आंसर बताओ। सर आंसर है क्लोज ब्रैकेट -√2 -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1√2। अंडर रूट टू वाला पार्ट गलत है, देखो क्या गलती हो रही है। और बच्चे बताओ, बच्चे तो बहुत हैं क्लास में, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा कॉस इनवर्स के आगे जो वैल्यू है ना वो -1 से 1 लाई करेगी डोमेन के लिए। अब यहां देखो, अगर कोई भी नंबर -1 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाता है। तो इधर तो हमें -1 या -1 से बड़ी वैल्यू रखनी है, उन्हीं का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा होगा। लेकिन इधर मैं 2 तक जा सकता हूँ 2 को छोड़कर, तो इधर मैं ऐसा पहुंच सकता हूँ। बताओ पहुंच सकता हूँ या नहीं, क्योंकि 1.99 तक का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ? यस सर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, 2x² आ जाएगा आपका, 3-1 2 और ये 5 हो गया। तो x² आपका 1 से 5/2 हो गया,
अगर आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर 1 से 5 बाई 2 तो वो वैल्यू 1 से रूट 5 बाई 2 या माइनस रूट 5 बाई 2 से 1, बताओ। यस सर, ये माइनस 1 क्लोज आएगा, 1 पे क्लोज आएगा और यहाँ पे आपका ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन सब लोग करो जरा। पता नहीं ये लिखा नहीं लिखा, ना तो ये बताते हो लिखा है, ना ये बोलते हो नहीं लिखा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। इसकी रेंज निकालो, ऑल ऑफ यू फाइंड आउट द रेंज। सर माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से टू। और बच्चों का भी आ रहा है कुछ? बेटा मुझे तो ये चीज लग रही है ना, तुम जो माइनस इनफिनिटी से माइनस वन बोल रहे हो, मेरी एक बात समझो, रेंज की बात हो रही है, एक्स को कुछ भी डाल दो नेगेटिव आंसर कैसे आ जाएगा, बस ये बता दो। मैं बाकी बात ही नहीं कर रहा, बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे इतना पता है भैया मैं एक्स की जगह कुछ भी डाल दूं आंसर तो नेगेटिव नहीं आएगा ना। सर सिर्फ वन और टू होगा, वन पे क्लोज ब्रैकेट। हाँ वो तुम देख लो, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा आंसर आना चाहिए ना, तुम तुक्का मत लगाओ, मतलब वो देख लो कि क्यों आएगा, क्या गलती है वो देख लो बस। बाकी बच्चों भी ट्राई करो।
दोनों मेथड से करो जरा। इसके दो मेथड हैं, एक तो एक्स को वाई के टर्म में लिखने वाला और एक नॉर्मल मेथड है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर। अब वन ऐड कर दो, हो गया वन से टू। बताओ कोई डाउट? सर हमने बस माइनस की वैल्यू भी ले ली थी। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड में भी लिखो, एक्स को वाई के टर्म में लिखने वाला मेथड। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो लिखते हैं एक्स को वाई के टर्म में वाला मेथड, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा एट माइनस फोर वाई अपॉन वाई माइनस वन। तो एक्स हो गया आपका अंडर रूट ऑफ एट, तो जो रूट के ये आ गया ना, एक्स बराबर एफ वाई का टर्म आया है नहीं, बताओ। यस सर, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस फोर कॉमन लो तो वाई माइनस टू अपॉन वाई प्लॉट करेंगे, वही आ गया नहीं, आ गया जीरो टू वन वाला आंसर, बताओ। नहीं सॉरी, वन टू टू वाला आंसर हो गया ये। Y belongs to 1 to 2, 1 सारा सेम आंसर। बताओ, कोई चीज ऐसी थोड़ी जो नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पुराना ही है, जो बताया हुआ उसी से आंसर आ रहा है। बेटा हो गया? यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसकी डोमेन एंड रेंज निकालो। डोमेन एंड रेंज
हाँ जी बच्चों, हो गया? हाँ बताओ, डोमेन क्या आएगी? बोलो। सर नहीं हुआ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, करो, ट्राई करो। कोई कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए साइन थीटा जो है वो तो हमेशा ही डिफाइंड होता है। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन 4x जो है वो 4/3 नहीं, और साइन थीटा 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो डोमेन होलार आ गई या नहीं आ गई? तो बताओ बच्चों, यस सर। ठीक है, अब आ जाओ रेंज पर। तो रेंज के लिए मैंने बोला था या तो एक्स को वाई के टर्म में लिख लो, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, एक्स को वाई के टर्म मैं लिखूंगा तो ये आएगा 3 sin 4x into y = 1। तो हो गया आपका 3y sin 4x, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, = 4y - 1। तो जब मैं एक्स को वाई के टर्म में लिखूंगा तो ये आएगा sin 4x = 4y - 1/3y। तो 4x आ गया आपका साइन इनवर्स, तो एक्स आ गया आपका 1/4 साइन इनवर्स 4y - 1/3y। 1 से 1 के बीच में कर देना, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए बेटर मेथड यहाँ पर क्या है, मैनिपुलेट वाला, कि भाई एफ एक्स क्या था आपका, दोबारा लिख रहा हूँ, 1/4 - 3 sin 4x। अब देखो साइन 4x कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, सबको पता है, साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो -1 से 1 लाई करेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin 4x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 से +3। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो फिर से -3 से 3। अब इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो गया और ये 7 हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है?
अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, साला जोटा में ये 1.7 से 1, बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर ये 3 sin 4x के बाद -3 sin 4x लिखा, सर वो वाला बता दो एक बार। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज होता है, तो ये जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin 4x को, तो ये -3 से ये बनेगा -3, तो -3 ये वाला इधर आ जाएगा, ये बनेगा +3 तो इधर चला जाएगा। वो तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना ज्यादा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो यहाँ 2 होता या -3 होता, तो ये 2 -2 बन के इधर चला गया होता और ये 3 बन के इधर आ गया होता। ओके सर, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। कोई वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो उसका नेगेटिव -3 से बड़ा होगा, कोई वैल्यू अगर -3 से बड़ी है तो उसका नेगेटिव 3 से छोटा होगा। लिखो अगला क्वेश्चन। अब मैं अगली क्लास में इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रेंज और डोमेन से आगे का, बट वो तभी तो होगा तुम लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हो जाओ, इसलिए मैंने आज एक और क्लास लगा दी है कि भाई ये चीजें एक बार रिवाइज करा दी। ये करना है फंक्शन की डोमेन, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये कोई गलत नहीं करेगा। इसकी डोमेन निकालो, सर ये लोग के नीचे क्या लिखा है आपने? बेस में 3 है, बेस में 3 है, आगे एक्स बाई 3 है।
हो गया बेटा। सर माइनस वन से वन। -1 से 1। और किसी बच्चे का आंसर? सर -9 से -1। -9 से -1। दो आंसर आ गए। लेट्स सी, देखते 1 2 9। 1 2 9 तीसरा आंसर आ गया है। देखते हैं, सबसे पहले लॉग फंक्शन। लॉग क्या कह रहा है भाई? कि मेरे आगे जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो जिनका नेगेटिव आंसर आ रहा है वो तो गड़बड़ हो ही गया, जीरो से बड़ी वैल्यू। दूसरी बात, साइन इनवर्स क्या कह रहा है? कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो -1 और 1 से बाहर नहीं जानी चाहिए। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही है सर। अब ये बेस 1 से बड़ा है, याद करो मैंने बताया था अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, और बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। बताया था या नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो अब ये जो 3 है ये साइन यही रहेगा, और ये 3 की पावर 1 3 बन जाएगा। तब हम पढ़ चुके हैं, ये 3 की पावर -1 1/3 बन जाएगा। अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा 1 से 9। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों का कॉमन 0 से बड़ा और 1 टू 9। तो 1 टू 9 कॉमन है या नहीं है? यस सर। बस यही आंसर हो गया। किसने बताया था ये आंसर? तो किसी ने बताया था तुम में से? तृप्ति। ठीक है बेटा, गुड। बाकी बच्चों ने गलत क्यों करा पता ही नहीं है ना। सर वहां पे जो ई की पावर देता है ना। एनीवेज एक और क्वेश्चन। सर हमने वहां पे डायरेक्ट ले लिया था इसलिए गलत हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। fx is 3/4 - x² प्लस log बेस में 10 x³ - x। करो ट्राई।
सर डन वेरी गुड आंसर बताओ सर माइनस वन जीरो यूनियन वन टू यूनियन टू इनफिनिटी ये ठीक आ रहा है गुड देख लो जिनका नहीं हुआ है सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव करते हैं तुम में से भी किसी ने करा होगा या रूट होता तो करते ही तो सिर्फ डिनोमिनेटर है कुछ पॉजिटिव नहीं करना बस जीरो नहीं होना चाहिए दूसरा लॉग के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बात खत्म x कॉमन लो x स्क्वायर माइनस वन बचेगा उसको फैक्टराइज करो ये पॉजिटिव नंबर लाइन हमारे पास है ये कब जीरो होगा वन पर ये कब जीरो होगा माइनस वन पर ये कब जीरो होगा जीरो पर पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस तो पॉजिटिव वाला कौन सा इंटरवल हो गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इंफिनिटी अब इनमें से प्लस माइनस टू है तो हटा दो माइनस टू तो आई नहीं रहा टू आ रहा है इसमें तो टू हटा दो तो टू हटाने का एक अच्छा तरीका है लिखने का माइनस वन से जीरो गए फिर वन से टू को चले गए टू को छोड़ दिया और फिर टू से इन्फिनिटी चले गए तो टू को बाईपास कर दिया तो ये आंसर आ गया नहीं आ गया कोई डाउट नो सर ठीक है बेटा अब ये रिवा जरा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो बहुत ज्यादा थोड़ा मेहनत बढ़ाओ ठीक है चलो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ ओके okay?